किसी मजहब का आदमी हो कि नीतीश कुमार ने कहीं से भी परिवार बात किया हो, कोई एक फोटो दिखा दे, कोई एक तस्वीर निकाल कर दिखा दे, तो अच्छे लोगों का अच्छे कामों की मुखालफत खूब होती है। और मुजफ्फरपुर में तो लोग, कुछ लोग बिल्कुल नहा धो के स्नान करके इसी काम के लिए बैठे हैं, यानी इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि अब वो जगह जगह बैठने के लिए बेचैन है। और ये वो लोग हमदर्द कहलाते हैं अपने आप को जिन्होंने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कांटी विधानसभा में हराने का प्रयोगशाला बना रखा है। मुफ्ती कासिम साहब के खिलाफ ये लोग नारा लगाते थे, मुफ्ती नहीं मुक्ति चाहिए, और आज सेकुलर हैं, कोई बचा नहीं है, न कमाल बचे, न जमाल बचे, न हैदर बचे, न परवेज बचे, न मुफ्ती कासिम बचे, फिर भी सेकुलर हैं। अपना वोट दिलाने की, कन्वर्ट कराने की कैपेसिटी लोग नहीं रखते, लेकिन दावा है। इसलिए इन सारी चीजों को जनता के बीच शेयर करना है, पहुंचाना है, ताकि लोग जान सकें सेक्युलरिज्म के नाम पर खून पीने वाले मजनू कितने हैं, और ठप्पा छोड़ करके काम करके, तरक्की और काम करके कानून की राज के का तसव्वुर देने वाले कौन लोग। यही सारे वो मुद्दे थे जो आपके माध्यम से आगे पहुंचाने की कोशिश की गई। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया।